हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस क्लास सेवेंथ साइंस चैप्टर नंबर सेकंड न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स. तो दैट इज इम्पोर्टेंट लेसन फॉर यूर टीएससी, सो वी टू द रिवीजन ऑफ द लेसन हेयर. तो देखिए क्वेश्चन आपका एक यहाँ से बनेगा, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इन विच वी विल टेक द फूड and break in the body to gain the energy, then this energy useful in the different body work, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन. जैसे आपने पीछे किया था, न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं भी, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. तो इन द ह्यूमन बींग और इन द एनिमल देर इज ए डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन आर देयर. तो वन बाई वन वी विल डिस्कस हेयर. तो देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पे अभी इंजेशन. तो वट इज द मीनिंग ऑफ इंजेशन? तो इंजेशन होता है फूड को अंदर लेना, सिंपली टेकिंग ऑफ फूड इन द बॉडी. बॉडी के अंदर फूड लेना क्या कहलाता है भी? इंजेशन, ठीक है ना. स्टेप नंबर सेकंड है डाइजेशन. अब देखो डाइजेशन क्या होता है, जो आपने फूड को बॉडी के अंदर ले लिया उसको ब्रेक डाउन कर देना एंजाइम के द्वारा, दांतों के द्वारा और टंग की हेल्प से इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. तो देखिए क्या होता है डाइजेशन हमारा, द प्रोसेस ऑफ ए ब्रेक डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि जो आप लोग खाते हो भी हमारा होता है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल. तो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड के अंदर ब्रेक हो जाना, तो द प्रोसेस ऑफ ए ब्रेक डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल फूड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए डाइजेशन. फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग है ना स्टार्च खाते हैं, यानी कि जैसे हम अनाज खाते हैं, अनाज में हमारे क्या होती है स्टार्च होती है. स्टार्च क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इट ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज. तो स्टार्च का ग्लूकोज में टूट जाना क्या हमारा ये डाइजेशन होता है. यानी कि ऐसे देखो हम लोग जैसे मिल्क पीते हैं तो उसमें हमारे क्या होता है प्रोटीन, क्या होता है भी प्रोटीन इज देयर. अब प्रोटीन क्या करेगा, विद हेल्प ऑफ द एंजाइम ये ब्रेक हो जाता है, तो इससे बनेगा अमीनो एसिड. क्या बनेगा? अमीनो एसिड बनते हैं यानी कि. तो ये भी क्या है प्रोटीन का डाइजेशन. स्टेप नंबर थर्ड देखिए भी क्या हमारा अब्जॉर्प्शन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्जॉर्प्शन? जो फूड यानी कि ब्रेक हो गया सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे जो स्टार्च है इससे ग्लूकोज बन गई, प्रोटीन है इससे अमीनो एसिड बन गया, यानी कि ऐसे जो भी हम लोग फूड खाते हैं जो सिंपल मॉलिक्यूल पैदा करते हैं यहाँ पर, दीज सिंपल मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जो हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है यानी कि अब इसकी दीवारों में जब ये फूड हमारा पास होता है, इसके अंदर से पास होता है, तो क्या होता है जो इसकी इनर वॉल होती है, देयर इज ए मैनी फोल्डिंग आर देयर, इसमें बहुत सारी फोल्डिंग होती है, दिस फोल्डिंग आर नोन एज विलाइज, इसको विलाइज बोलते हैं, ठीक है ना. तो भी जो विलाइज होती है ना, कि विलाइज लुक लाइक अवर फिंगर, जैसे जो हमारी उंगलियाँ होती है ना, उंगलियों के समान धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर. तो जैसे जैसे फूड यहाँ से पास होता है, स्लोली पास होता है, और फूड के जो न्यूट्रिएंट है दे गेट अब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ दीज विलाइज, और विलाइज के अंदर बहुत सारी मात्रा में क्या होता है भी ब्लड होता है, यानी कि ब्लड इज हेयर. तो ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन. स्टेप नंबर फोर्थ यहाँ पे अभी असिमिलेशन. तो देखिए न्यूट्रिएंट जो यहाँ अब्जॉर्ब हो गए, अब वे कहाँ जाएंगे, दिस न्यूट्रिएंट सपोज गो टू द सेल, हमारी बॉडी की जो बहुत सारी सेल्स होती है उसमें जाएंगे, यानी कि तो सेल में जाने के बाद में क्या होता है, जैसे जो न्यूट्रिएंट है दे गेट अब्जॉर्ब बाय द सेल एंड यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी हेयर, यानी कि यहाँ जो न्यूट्रिएंट हमारे हैं वे क्या करेंगे सेल के अंदर एनर्जी पैदा करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन. वट इज इग्जेशन? इग्जेशन क्या होता है, देखो जो लोग हम खाना खाते हैं
ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में सारा ही खाना जो होता है ऑल गेट अब्जॉर्ब, नहीं, रेस्ट ऑफ द फूड जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उसको बॉडी से थ्रो आउट कर देते हैं। वी विल थ्रो आउट द अन डाइजेस्टेड फूड, थ्रो आउट द अन डाइजेस्टेड फूड, यानी कि ऐसा फूड हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्ट है उसको बॉडी से थ्रो आउट कर देना एज ए फिकस मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज एग्जेशन। तो दीज आर द सम स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग और इन द अदर एनिमल। तो पहला स्टेप हमारा क्या था अभी यहाँ पे, इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड अब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और एग्जेशन। तो यू हैव टू लर्न द ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स कि पहला कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा। अभी आपने ऑर्डर को पहचानना है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू विद द स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका क्वेश्चन एक यहाँ से पूरा होता है। अभी क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछेंगे कि स्टेप्स के अकॉर्डिंग, यानी कि नंबर वन पे क्या है, टू पे क्या है, थ्री पे क्या है, ऐसे। तो अभी हम क्वेश्चन एक और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो वे भी इससे थोड़ा सा क्लोजली रिलेटेड है। तो देखिए, आप देखिए, वी विल डिस्कस नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आई रिप्रेजेंट हेयर वेरियस नंबर इन द डायग्राम, कि जैसे डायग्राम में ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, थर्ड कौन सा पार्ट है, फोर्थ कौन सा है, ऐसे आपने इसको लेबलिंग करना है, यानी कि भी फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है। भी तो मे बी यू नो वेरी वेल कि फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए माउथ। क्या भी हमारा ये माउथ, यानी कि हमारी जो बॉडी की ओपनिंग है जस्ट ओनली, जो लिप्स के बीच में स्पेस होता है उसे बोलते हैं माउथ। और देखिए हमारे जो टंग होती है, टंग के नीचे हमारे एक ग्लैंड होती है यहाँ पे, उसका नाम क्या होता है अभी, सलाइवरी ग्लैंड, उसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड नंबर टू। थर्ड पे देखिए ये जो बीच में पाइप दिखा रखी है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज ए ओइसोफेगस, इसे बोलेंगे ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, कॉमनली कॉल्ड एज ए फूड पाइप, दैट इज द ओइसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। देखिए इसका जहाँ पे हमारे ओइसोफेगस एंड होता है, जैसे ये जो एंड है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, दिस इज लुक लाइक स्मॉल यू लेटर ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश में जो यू होता है, या इसको आप जे बोल दो, थोड़ा सा जे शेप होता है, दैट इज द शेप ऑफ द स्टमक। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है अभी, स्टमक, तो इसे बोलेंगे स्टमक, ठीक है ना, दिस इज द स्टमक। नंबर फाइव देखिए आप यहाँ पे, दैट इज ए लीफ लाइक ग्लैंड शोन हेयर, तो ये कौन से होते हैं भी, हमारे पेंक्रियाज, इसे बोलेंगे पेंक्रियाज, तो दैट इज पेंक्रियाज। और नंबर सिक्स देखिए आप, यानी कि स्टमक जो हमारा होता है इसके आगे जो पाइप स्टार्ट होती है, जो इसके अंदर को लाइव करती है, दैट इज कॉल्ड एज ए स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये क्या होती है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है ना, छोटी आंत होती है हमारी। देखिए यही जो पाइप होती है दैट इज कन्वर्ट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो मोटे वाली पाइप होती है इसकी लंबाई कम होती है लेकिन जो थिकनेस होती है वे कंपेयर टू द स्मॉल क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि। तो नंबर सेवन जो है दैट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसे बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो होती है। और यही जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है एट द नियर द एंड मेक ए फ्लैसी पार्ट देयर, तो ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज रेक्टम, इसे बोलेंगे भी रेक्टम, तो ये कौन सा होता है, रेक्टम होता है। तो देखो रेक्टम क्या करता है, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जैसे ये फिल हो जाता है दैट इज रिमूव बाय द ओपनिंग टाइम टू टाइम। तो ये जो ओपनिंग दिखा रहा है नंबर नाइन पे, इसका नाम क्या होता है अभी, इसे बोलेंगे एन एस, दैट इज द एन एस, ठीक है ना। तो
All the part I write here, maybe you will understand very well. So first पे कौन सी मरा माउथ, सेकेंड ये ग्लैंड कौन सी मरी सलाइवरी ग्लैंड्स, नंबर थ्री पे जो पाइप कौन सी है ओएसोफेगस, और इसके बाद स्टार्ट होता पार्ट हमारा कौन सा होगी स्मॉल जे शेप या यू शेप स्टमक, फिर जो लीप लाइक ग्लैंड यहाँ दिखा रखी दैट इज द पेंक्रियाज, सिक्स पे जो है अंदर वाला पार्ट ये इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बड़े वाली लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये रेक्टम, और लास्ट पार्ट एन एस। एक और इसमें रह गया भाई, देखो ये जो पार्ट होता है दिस वन, ये कौन सा होता है दैट इज लीवर, ये होता है लीवर। और यू नो लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में क्या होती है भाई लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर, ठीक है ना। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है दैट इज अबाउट 7 मीटर लॉन्ग, लगभग कह लो कि 7 मीटर के आसपास होती है ना कि। और लेकिन जो लार्ज होती है द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1 to 2 मीटर, यानी कि 1 या 1.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। वट इज द टोटल लेंथ ऑफ होल एलिमेंट्री कैनाल, पूरी लंबाई क्या होती है यानी कि इसकी इंटेस्टाइन की कंप्लीट, तो भी होती है आपकी अबाउट 9 मीटर, लगभग 9 मीटर के आसपास होती है हमारे। तो दैट इज ऑल अबाउट द डायग्राम, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो आपने कॉपी के अंदर डायग्राम को ड्रा करना, उसको बार बार पार्ट को पहचानना है, उसको लेबर करके देखना है और लर्न करना जिससे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।